नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबर। छातापुर अंचल क्षेत्र के सोहटा पंचायत वार्ड संख्या 9 निवासी महिला निर्मला देवी अपनी जमीन पर दखल कब्जा के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। महिला ने अपने ननिहाल वालों पर जमीन से बेदखल करने तथा जबरन मिट्टी काटने का आरोप लगाया है। दखल कब्जा के लिए अंचल कार्यालय से लेकर थाना पुलिस तक तथा अनुमंडल से लेकर जनता दरबार तक कई बार दौड़ भाग कर परेशान है, लेकिन किन्हीं भी कारण से पीड़िता की समस्या का निदान नहीं किया जा सका है। ऐसे में पीड़ित महिला न्याय दिलाने को लेकर पुलिस एवं प्रशासन पर कर्तव्य से विमुख होने के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित महिला निर्मला देवी ने बताया कि उनके नाना छठू साह ने वर्ष 2015 में मेरी पुत्री 6 वर्षीय महारानी कुमारी के नाम पर 10 कट्ठा जमीन दान पत्र किया था। पुत्री के नाबालिग रहने के चलते दान पत्र में उन्हें नेचुरल गार्जियन बनाया गया, जिसके आधार पर उनके नाम से दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम है और 2022-23 तक लगान रसीद भी प्राप्त है। वर्ष 2018 में अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया था। उनकी मामी रीता देवी की आपत्ति को आधार मानकर अंचल कार्यालय ने आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था, जिसके बाद उसने DCLR के यहां अपील की और उनके पक्ष में फैसला आने के बाद अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज पर जमाबंदी कायम किया गया। बताया कि ननिहाल पक्ष के लोग जमीन से बेदखल करने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहा है। हजार पंद्रह में नाना जमीन दलके, जमीन मोटेशन में लगेलिए, मामी हमारा आवेदन दे दलके, तब नहीं भेले, तब फिर हमें जे छे से DCLR गेलिए, DCLR से जजमेंट ले हम खारिज करेलिए, तब मिट्टी काटे छे रीता देवी निकुसा। कते जमीन छे? 10 कट्ठा। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।